मैं दीपक मिश्रा अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज यानी कि जीएस। जीएस में हम जिस सब्जेक्ट को देख रहे हैं वो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल में पिछले क्लास में हमने ब्रह्मांड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और हमने सौर मंडल में सूर्य को देखा था। ये सौर मंडल का भाग दो है। आज हम सूर्य के बाद सौर मंडल में जितने ग्रह और आकाशीय पिंड हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आते हैं आज हम सौर मंडल के पिंडों पर। IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संस्थान है, इसकी प्राग में बैठक हुई 2006 में, जिसमें सौर मंडल के पिंडों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहली श्रेणी में रखा गया था परंपरागत ग्रहों को। परंपरागत ग्रह जो थे ये थे बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बौने ग्रह जो थे, बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया प्लूटो, चेरोन, सेरस, यूबी 313 को। और तीसरी श्रेणी जो थी, तीसरी श्रेणी थी लघु सौर पिंड। लघु सौर पिंडों के अंतर्गत धूमकेतु, उल्का तथा क्षुद्र ग्रहों को शामिल किया गया। इस सम्मेलन में जो परंपरागत ग्रहों में नवा ग्रह प्लूटो होता था, नवे ग्रह प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर करके बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, क्योंकि प्लूटो जो है, प्लूटो का परिभ्रमण का स्वतंत्र मार्ग नहीं होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। वर्तमान में सौर मंडल में जो ग्रह हैं, परंपरागत ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। आइए देखते हैं सबसे पहले परंपरागत ग्रह। ग्रहों से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो होता है ये आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा जाता है, और दूसरा पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, इसको हम एक फार्मूले के तहत याद कर लेंगे। फार्मूला ये है, आप याद कीजिएगा, जेसन, जे याद कर लीजिएगा, जे के बाद सन का स्पेलिंग जेसन, उसके बाद EVMRMC। जे जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है और MC जो है ये सबसे छोटा ग्रह है। तो आइए बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। जे यानी कि जुपिटर यानी बृहस्पति, एस यानी कि सैटर्न यानी शनि, यू यानी कि यूरेनस अरुण, एन यानी कि नेपच्यून वरुण, ये हो गया जेसन। इसके बाद जो दूसरा है ये है EVMR और MC। ई से हो गया अर्थ यानी कि पृथ्वी, वी से हो गया वीनस यानी कि शुक्र, MR से हो गया मार्स यानी कि मंगल, और MC से हो गया मर्क्यूरी यानी कि बुध। तो ये हो गया ग्रहों का आकार के अनुसार क्रम। नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो यह है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह तो यह होगा सैटर्न यानी कि शनि। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी कि मर्क्यूरी। सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह, तो सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। अब हम लोग देखेंगे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, सूर्य से कौन सा ग्रह किस दूरी में है। इसके लिए भी हम उसी फॉर्मूले को याद करेंगे, जेसन, EVMRMC और P। इसके लिए हम एक रेखा चित्र का सहारा लेंगे, जैसे कि फिगर में यहाँ एक डायग्राम आपको दिख रहा है। सबसे पहले आप एक सूर्य बना लीजिए, सन, और 8 गोले बना दीजिए, ठीक है। 8 गोले में लास्ट के जो 4 गोले हैं इसमें आप फॉर्मूला बैठाइए, जेसन, जे लिखिए और सन लिख दीजिए। तो ये होगा सूर्य से दूरी के अनुसार अंतिम ग्रह। दूसरे चित्र में देखिए, दूसरे चित्र में हमको क्या बैठाना है, जे से आप बाएं तरफ आइए, जे से बाएं तरफ एक घेरा छोड़ दीजिए एक गोले को, उसके बाद लिखिए ई और उसके बाएं में लिखिए भी, ठीक है। उसके बाद आइए तीसरे चित्र में, देखिए तीसरे चित्र में ई और भी के बाद ई जो है ई के आगे लिखिए MR और भी के बाएं में लिखिए MC। तो इस प्रकार हो गया आपका सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं कि सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक जो ग्रह है ये कौन है, तो ये है MC यानी कि बुध, और सूर्य से सबसे दूर जो है ये है N यानी कि नेपच्यून यानी कि वरुण, ठीक है। एक बार सोलर सिस्टम को आप देख लीजिए, पूरा सोलर सिस्टम इस फिगर में आपको स्पष्ट हो जाएगा, और इसे आप 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए बिल्कुल इसको बैठाने का, तो आप बिल्कुल ग्रहों को उनके सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में आसानी से बैठा पाएंगे। आइए अब नोट में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहला है आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह, सूर्य से जो सामने के 4 ग्रह होते हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है,
और बाह्य ग्रह, सूर्य से जो दूर के ग्रह होते हैं इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। तो सूर्य के सामने के जो चार ग्रह हैं ये है ईवी, एमआर और एमसी, ये आंतरिक ग्रह हैं, जबकि बाह्य ग्रह की श्रेणी में आएंगे जेसन। ठीक है, बाह्य ग्रह हो गए जेसन और आंतरिक ग्रह हो गए ईवी, एमआर और एमसी। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध यानी कि मर्क्यूरी। सबसे कम परिक्रमण काल, तो सूर्य का चक्कर लगाने में जिस ग्रह को सबसे कम समय लगेगा वो ग्रह होगा जो सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, यानी कि इसका भी आंसर होगा मर्क्यूरी यानी कि बुध, यानी सबसे कम परिक्रमण काल, सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है बुध को और ये लगभग 88 दिन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह जो है ये है शुक्र यानी कि वीनस। ठीक है, बाकी ग्रह जो होते हैं ये क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और ये जो ग्रह है शुक्र ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। प्रश्न पूछा जाता है दक्षिणाव्रत परिक्रमण करने वाला ग्रह, तो दक्षिणाव्रत जो सूर्य की परिक्रमा या एंटी क्लॉकवाइज करता है वो है शुक्र यानी कि वीनस। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न बनता है कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करने वाला ग्रह, जितने भी ग्रह है ये सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करते हैं यानी अपने अक्ष पर ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, परंतु एक ग्रह है जिसका नाम है यूरेनस यानी कि अरुण, ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। इसका परिणाम ये होता है कि बाकी ग्रहों पर सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, जबकि यूरेनस में उल्टा होता है, यूरेनस में सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है, तो जैसे कि आप फिगर को देख रहे हैं पृथ्वी मंगल और शुक्र ग्रहों के बीच में स्थित है। फिर एक प्रश्न बनता है कि धूमकेतु तथा उल्काएं किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं, तो धूमकेतु और उल्काएं जो है ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है नेपच्यून। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने के कारण ये सबसे ठंडा ग्रह भी है, यानी सबसे ठंडा ग्रह सौरमंडल का जो होगा ये होगा नेपच्यून यानी कि वरुण, और साथ ही साथ सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होने के कारण इसे सूर्य का चक्कर लगाने में भी सबसे ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए सर्वाधिक परिक्रमण काल वाला ग्रह भी जो होगा ये होगा नेपच्यून यानी कि वरुण, और वरुण का जो परिक्रमण काल है ये लगभग 165 वर्ष होता है, यानी कि सूर्य के जो नजदीक ग्रह होंगे इनका परिक्रमण काल छोटा होगा और सूर्य से दूर स्थित ग्रहों का परिक्रमण काल अधिक होगा। तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिमाग में रखिए, बुध जो है ये सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। इससे दूरी पर स्थित है पृथ्वी, पृथ्वी को लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है एक चक्कर लगाने में, और सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है नेपच्यून, नेपच्यून यानी वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लग जाता है कितना, तो ये लग जाएगा लगभग 165 वर्ष, यानी 88 दिन, 365 दिन 6 घंटा और 165 वर्ष। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं फटाफट से कुछ ग्रह और उनके उपग्रह। जैसा कि यहां पर आपको ये फिगर दिखाई पड़ रहा है, फिगर में आप देखिए सबसे पहला ग्रह है बुध, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा ग्रह है शुक्र, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध और शुक्र जो ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है इसका नाम है चंद्रमा। इसके बाद है मंगल, मंगल के दो उपग्रह है फिबोस और डिमोस। इसके बाद है बृहस्पति, बृहस्पति के लगभग 28 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 28 उपग्रहों में दो महत्वपूर्ण हैं, एक है गैनीमेड और दूसरा है कैलिस्टो। इसके बाद है शनि, शनि के उपग्रहों की संख्या या शनि के चंद्रमा की संख्या भी कहता है, तो ये है 30 और शनि के चंद्रमा या उपग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है टिटोन। इसके बाद है अरुण यानी कि यूरेनस, यूरेनस में चंद्रमा या उपग्रहों की संख्या 21 है और इसमें प्रमुख है एरियल और मिरेंडा। इसके बाद है वरुण, वरुण के उपग्रहों की संख्या जो है यह है 28 और इसमें प्रमुख है टाइटन। आइए देखते हैं उपग्रहों से संबंधित कुछ खास बातें। प्रश्न पूछा जाता है कि किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है, तो हमने अभी तुरंत देख लिया उपग्रह नहीं है किसके, तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है यह है गैनीमेड और यह बृहस्पति का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है यह है डिमोस और डिमोस जो है ये मंगल का उपग्रह है। सबसे बड़े उपग्रह वाला ग्रह,
ये प्रश्न पूछा हुआ है कि सबसे बड़े उपग्रह वाला ग्रह, तो हम जानते हैं सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड पूछा है, सबसे बड़े उपग्रह वाला ग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। इसके बाद सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो सबसे अधिक उपग्रह जो है ये है शनि यानी कि सैटर्न के। आइए अब एक एक करके विभिन्न ग्रह और उनके संबंध में उनकी प्रमुख विशेषताओं पर बात करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला ग्रह बुध यानी कि मर्क्यूरी। बुध जो है ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बुध जो है ये आकार में सबसे छोटा ग्रह भी है, साथ ही साथ सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होने के कारण इसका परिक्रमण काल सबसे कम होता है, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे सबसे कम समय लगता है और ये समय है लगभग 88 दिनों का। बुध का एक दिन जो होता है ये पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। आइए अब बात करते हैं अगले ग्रह शुक्र यानी कि वीनस की। शुक्र जो है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, साथ ही साथ आकार और संरचना में ये बिल्कुल पृथ्वी के समान है, इसी कारण इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। साथ ही साथ शुक्र जो है ये शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है, तो इन दोनों कारणों से शुक्र के कई उपनाम पड़े हैं, जैसे शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, चमकीला ग्रह तथा संध्या और भोर का तारा। अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र जो है ये दक्षिणाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चक्रण या परिक्रमण करता है। चक्रण का भी मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाना और परिक्रमण का भी मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाना। इस टर्म को लेकर के विद्यार्थी काफी कंफ्यूज होते हैं, तो चक्रण और परिक्रमण दोनों एक ही चीज है। घूर्णन जो होती है ये अलग चीज है, घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना। तो बाकी ग्रह जो होते हैं ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, और जो शुक्र यानी कि वीनस होता है ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सूर्य की विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा या चक्रण करता है। अब बात करते हैं हम अपनी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो है ये आकार में सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी की अगर उम्र की बात करें तो पृथ्वी की उम्र जो है ये लगभग 460 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी का उपनाम है नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है बेसिकली जल के कारण, और पृथ्वी का नीला रंग जो है अंतरिक्ष देखने पर दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्राकीर्णन के कारण, और पृथ्वी का नीला रंग प्रकाश के प्राकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। और ये प्राकीर्णन क्यों होता है, तो ये प्राकीर्णन होता है पृथ्वी पर मौजूद जल और वायुमंडल के कारण। फिजिक्स वाले टॉपिक में मैंने प्राकीर्णन में इसको डिटेल से बताया हुआ है। अब बात करते हैं कि पृथ्वी अपनी कक्षा पर कितनी झुकी हुई है, ये प्रश्न भी बराबर पूछा जाता है। तो पृथ्वी जो है ये अपनी कक्षा पर लगभग 65 डिग्री झुकी हुई है। आइए अब बात करते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी को अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी लट्टू की तरह जो एक चक्कर लगाती है अपने कील पर घूमती है, तो पृथ्वी को अपने अक्ष या धुरी पर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम कहते हैं पृथ्वी की दैनिक गति। और पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है ये लगभग होता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी कि लगभग 24 घंटा। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर यानी कि एक परिक्रमा पूरा करने में जो समय लगता है इसे हम कहते हैं पृथ्वी की वार्षिक गति। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, यानी लगभग में हम इसे कह सकते हैं 365 दिन और 6 घंटा। अब बात करते हैं हम लीप वर्ष की। लीप वर्ष क्या होता है, अभी हमने बात किया कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगता है लगभग 365 दिन और 6 घंटा, इसे हम कहते हैं सौर वर्ष। ठीक है, दूसरी ओर हमारे पास एक कैलेंडर होता है जिसे हम कहते हैं कैलेंडर वर्ष। हम लोग ग्रेगरियन कैलेंडर पर चलते हैं और इस ग्रेगरियन कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ष सौर वर्ष जो है ये कैलेंडर वर्ष से 6 घंटा आगे निकल जाता है। इसी 6 घंटे को एडजस्ट या समायोजित करने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष में कैलेंडर वर्ष में एक दिन जोड़ दिया जाता है। हर साल 4 साल बढ़ रहा है तो हर साल छह घंटे बढ़ने के कारण गुना 4 अगर हम करेंगे तो 24 घंटा, यानी कि एक दिन बढ़ा दिया जाता है। यानी प्रत्येक चौथे वर्ष में कैलेंडर वर्ष में 24 घंटा यानी कि एक दिन को जोड़ दिया जाता है, और ये जो दिन जोड़ा जाता है ये फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, इसी को हम कहते हैं लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में दिनों की संख्या हो जाती है 366 दिन, और इसमें फरवरी महीना जो होता है ये 28 के बदले 29 दिनों का होता है। होप आपको लीप ईयर समझ में आ गया होगा। अब नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करते हैं, जैसे पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है पृथ्वी की दैनिक गति।
पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होने का कारण तो यह है पृथ्वी की वार्षिक गति। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए दो कारण उत्तरदायी होते हैं, एक तो पृथ्वी की वार्षिक गति और दूसरा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। तो आइए बात कर लेते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा जो है ये सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा के मध्य की दूरी जो है ये है लगभग 384403 किलोमीटर। इसे फोन नंबर की तरह ही याद कर लीजिए, 384403 किलोमीटर। चंद्रमा की सतह तथा आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की आंतरिक स्थिति तथा सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की अगर उम्र की बात करें तो चंद्रमा की उम्र पृथ्वी के उम्र के समान ही है, यानी 407 करोड़ वर्ष। पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग हमें दिखाई पड़ता है वो चंद्रमा का 57% भाग होता है। चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ता है उसे हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और ये कुल चंद्रमा का 43% भाग होता है, क्योंकि 57% हम देख पाते हैं और 43% भाग हमसे छिपा रहता है, यानी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा में जो चट्टाने हैं इनमें जो तत्व प्रधान रूप से पाया जाता है उस तत्व का नाम है टाइटेनियम, यानी चंद्रमा की चट्टानों में मुख्य रूप से टाइटेनियम पाया जाता है। ज्वार उत्पन्न करने के लिए समुद्र में जो ऊंची लहरें उत्पन्न होती है इसे ज्वार कहा जाता है, और समुद्र में जो ऊंची लहरें उत्पन्न होती है ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण ही उत्पन्न होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वार उत्पन्न करने में चंद्र और सूर्य की शक्तियों का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11:5, यानी चंद्र की शक्ति 11 के रेशियो में और सूर्य की शक्ति 5 के रेशियो में काम करती है। जबकि सूर्य विशाल है, लेकिन सूर्य विशाल होने के बावजूद सूर्य का आकर्षण बल जो होता है ज्वार उत्पन्न करने में कमजोर होता है चंद्रमा की तुलना में, क्योंकि चंद्रमा नजदीक है और सूर्य बहुत दूर में स्थित है। पृथ्वी की परिक्रमा तथा अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करने में चंद्रमा को लगभग बराबर समय लगता है, और यह समय होता है 27.3 दिन का। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है 27.3 दिन का। साथ ही साथ चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, यानी घूर्णन कर रहा है, तो चंद्रमा को अपना घूर्णन करने में और पृथ्वी का परिक्रमण करने में दोनों में समय लगता है 27.3 डेज, यानी 27.3 दिन का। आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चंद्रमा पर हमें ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, क्योंकि हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और पृथ्वी पर यह माध्यम क्या है? तो यह है हवा। चंद्रमा पर चूंकि वायुमंडल ही मौजूद नहीं है अतः ध्वनि को गमन करने के लिए वहां माध्यम नहीं मिल पाता है, और कोई भी ध्वनि चंद्रमा पर हमें सुनाई नहीं पड़ेगी। अब एक बात आपने ये भी सुना होगा कि चंद्रमा में वस्तुएं जो होती है ये हल्की हो जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है या गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होता है। इसी कारण पृथ्वी की तुलना में कोई भी वस्तु चंद्रमा में 1/6 गुना हल्की प्रतीत होती है। होप आपको चंद्रमा से संबंधित ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ आज के हम इस वीडियो का द एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बाकी बचे हुए ग्रहों और सौर मंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको हम समाप्त करेंगे। तो चलिए आज इतनी ही बातें करके इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सोलर सिस्टम के बाकी बचे हुए और अंतिम भाग के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।